सिंगरौली में कोविड के दौरान भी एनटीपीसी विंध्याचल की सभी यूनिट ने लक्ष्य से अधिक विद्युत का उत्पादन किया। एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक मुनीष जौहरी के मार्गदर्शन में एनटीपीसी विंध्याचल की 13 यूनिट ने केंद्र सरकार के दिए गए निर्देश कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने सामाजिक दायित्व को निभाया। एनटीपीसी विंध्याचल ने शासकीय महाविद्यालय वैढ़न में अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत महाविद्यालय के छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए वाटर एटीएम का उद्घाटन विधायक रामलालू वैस के हाथों से कराया। वैढ़न महाविद्यालय छात्रों को मामूली दर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं एनटीपीसी विंध्याचल ने अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत पॉलिटेक्निक महाविद्यालय वैढ़न में कंप्यूटर लैब का अतिरिक्त कक्ष और कंप्यूटर उपलब्ध कराया। एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक मुनीष जौहरी ने बताया कि एनटीपीसी विंध्याचल की 13 सभी यूनिटों में एफजीडी लगाया जा चुका है, जो देश की ऊर्जा संयंत्रों में देश का पहला एफजीडी प्लांट है। साथ ही एनटीपीसी विंध्याचल मध्य प्रदेश में वन विकास निगम के सहयोग से 60,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अपने सामाजिक दायित्व के तहत खनुआ में 100 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण कराया गया है। आगे भी एनटीपीसी विंध्याचल की सभी यूनिट अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत पूरी ईमानदारी से कार्य करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।